Well, thank you so much for all the best wishes. Dada Saab Phalke Award is a very prestigious award. Getting an award over here is something that I am very excited about. Being nominated in this category is very exciting. Pretty exciting. New things are happening, and I think this is the first time I'm being invited over here. Inshallah, I hope I keep working hard and keep coming back over here. जी 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 मैं बस इसको एक चीज़ समराइज करता हूँ. माई पेरेंट्स आर नॉट फ्रॉम द फिल्मी वर्ल्ड. द मोमेंट आई सेड दैट आई गॉट अ नॉमिनेशन फ्रॉम दादा साहब फाल्के अवार्ड, माई मॉम वॉज वेरी एक्साइटेड. शी इज़ बीन हियरिंग अबाउट दिस अवार्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. इट्स लाइक ओ वाओ. सो आई थिंक दैट इज द रेलिवेंस ऑफ दिस अवार्ड. देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ प्रेस्टीज when it comes to this event, and so I think receiving it in my first film means a lot to me. Jeep? Jeep. Jee, it's a very unfortunate jo hua hai. Meri very feelings hai jo puri country ke emotions hai is time pe. There's a lot of anger, there's a lot of emotions towards the soldiers. They are the people who are protecting us. And I completely stand by everything that our country is doing. And I really want to salute all the soldiers and the army people who are dying for us to make sure that we are safe in our country. Jeep, 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 Jeep. See, I generally believe that right now it is, I just support the decision our government is making for the country. क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर इट. वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हैज़ हैपेंड इन अ कंट्री, एंड राइट नाउ आई एम थिंकिंग मोर टुवर्ड्स द फैमिलीज ऑफ अ सोल्जर्स देन एनी अदर सब्जेक्ट. जी जी, मैं बहुत जल्दी आपको बताने वाला हूँ उसके बारे में. बट इट्स समथिंग एक्साइटिंग. आई कांट वेट फॉर द फिल्म टू बी अनाउंस्ड एंड फॉर पीपल टू नो अबाउट इट. बट वेरी सून आई शैल डू दैट. Today, I'm not allowed to do so. Okay, thank you, thank you, thank you, thank you so much. Oh God, I feel amazing. द फर्स्ट टाइम मैं इन्वाइट हुई हूँ और मैं बहुत खुश हो गई थी जब मुझे इन्वाइट आया था. आई वाज लाइक वाओ, आई हैव टू अटेंड दीज अवार्ड्स, क्योंकि हमेशा हर साल सिर्फ मैंने पिक्चर्स देखे लोगों के जब वो अटेंड करके जाते हैं. सो दिस द फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग टू दीज अवार्ड्स, टू दिस अवार्ड सेरेमनी, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी. थैंक यू. तो आज के शाम के लिए मैंने एक्चुअली मैं तैयारी की थी और मैं बहुत एक्साइटेड थी, और इसलिए ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं अपने किसी पर्सनल अवार्ड फंक्शन में या किसी फंक्शन में मैंने साड़ी पहनी है. तो दिस इज ऑब्वियसली वेरी स्पेशल टू मी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई डोंट से कि ये बताता है कि एक एक्टर कितना अच्छा है या कितना केपेबल है एक्टिंग करने का या कितना अच्छा एक्टर है, बट आई थिंक बहुत मोटिवेशन मिलता है आपको जब भी आप कोई अवार्ड रिसीव करते हैं. तो यू नो यू गेट मोटिवेटेड ना, तो फिर और आपको होता है कि यार और हार्ड वर्क करेंगे और मेहनत करेंगे और अगले साल फिर से आएंगे. तो एक कंपटीशन तो हमेशा से रहता है, तो उस कंपटीशन में यू नो और मेहनत करने का मज़ा आता है. सो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट. आई थिंक देर इज़ नथिंग आई कैन से अबाउट इट बिकॉज इट्स सच अ सैड न्यूज़. आई थिंक 14 February में ऐसे कोई इससे बुरी न्यूज़ हो ही नहीं सकती थी. और हम तो सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, और यू नो किसी मूवी में भी अगर कोई हीरो को चोट लग जाती है या हीरोइन को चोट लग जाती है तो इतना बुरा लगता है, इतना दर्द होता है. और यहाँ तो हमारे देश के जो असली जवान असली हीरो हैं उनकी लिटरली डेथ हो गई, और वो भी इस तरह से. सो यू नो आई जस्ट कांट से एनीथिंग. बस इतना ही कहूँगी कि उनकी फैमिली जो है वो अपने आप को संभाल लें, और जस्ट hoping for their best. Thank you so much. ये इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रेस्टीजियस अवार्ड है, और थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए, एंड आई एम ग्लैड दैट आई हैव बीन इनवाइटेड फॉर दिस अवार्ड. और एक अवार्ड, ये जो अवार्ड है एक आर्टिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
or means any award, but being the industry's prestigious award, this is like, I mean, really important for an artist in itself. So it's already on air, so I'm really excited. I'm और जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ इट्स अ नेगेटिव कैरेक्टर सो आई हैव ऑलवेज वांटेड टू डू अ नेगेटिव कैरेक्टर सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड एंग्शियस एट द सेम टाइम या एक आर्टिस्ट के लिए कोई भी अवार्ड इम्पॉर्टेंट होता है अब दादा पाल के इंटरनेशनल अवार्ड्स जो हैं बीइंग इंडस्ट्रीज मोस्ट प्रेस्टीजियस अवार्ड ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एक आर्टिस्ट की लाइफ में या Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Hi guys. मैं बहुत खुश हूँ कि I am a part of this award function. मैं पहली बार attend कर रही हूँ ये award. और मेरे बहुत ही करीबी दोस्त है सुजॉय मुखर्जी ही इज़ गॉट एन अवार्ड फॉर द फिल्म ही रिसेंटली प्रोड्यूस सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम जी मैंने अभी जस्ट मेंशन किया मेरे जो दोस्त है सुजॉय मुखर्जी ही इज़ द सन ऑफ अ लेट एक्टर हु पास्ड अवे फ्यू इयर्स बैक ही इज़ गॉट द अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम आई जस्ट मेट हिम देयर एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम आई थिंक ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है क्योंकि ये हमारे नॉर्मल अवार्ड फंक्शन जैसे नहीं है जो एक टाइम दिया जाता है और बहुत लेट शुरू हो जाता है ये यहाँ पे जो टाइम दिया जाता है टाइम पे शुरू होता है इट्स अ वेरी रिस्पेक्टेड अवार्ड एंड आई होप दैट समडे मैं इतना अच्छा काम करूँ कि मैं भी इस अवार्ड के काबिल हूँ थैंक यू बाय जी I think, like Jaise aap jante, it's a very prestigious award and I'm honored to be here and I wish them all the best. Pehli baar main ye awards attend kar raha hun, so I'm very excited and 2019 is a special year for all of us. It's my 20th anniversary calendar aur ye saal main 25 saal celebrate karne wala hun industry mein, so it feels good to be here. I'm nominated as a photographer, I guess. I think it's excellence in photography. As an Indian, we felt very appalled. We felt very very disturbed, because it was very very disturbing. Though then we couldn't even focus on anything. That's all that was going on in our mind. So. It feels really saddening and my heart goes out to all the people, to all the, people up there who are helping us, who are helping our country. So, my deepest condolence and all the best wishes. चांद की जोड़ी है बुरी है बड़ी बुरी है दुनिया की नियत छोड़िए नजर ना लग जाए जानू थॉट ये घबराए सानू नजर ना लग जाए जानू थॉट ये घबराए सानू हाय गाइस मैं हूँ ऐश किंग ओके ये मेरा पहली बार है यहाँ पे एंड आई थिंक इट्स अमेजिंग to celebrate the talent and the I think it's amazing to celebrate the talent and the achievements of people that work hard in our industry so I'm really proud to be here to support the event
for an artist, it's very important, not only for the artist, but jo hai, jo artist ko support karte, jo hard work karte behind the scenes, not just the artist, but ek artist akela, it's not just one artist, wo artist ke piche bahut bahut log hai, and for the whole team, it's very important, very encouraging, very inspiring. It's a very unfortunate thing, if only, you know, we could, if only the world was a better place, kind of thing. So many things happen. Mera kaam hai to try and lighten up the mood, try and help people, entertain people, but at the same time, kuch cheezo jo hota hai, you can't be positive about them. It's not nice, it's not nice, and yeah, it's a very sad thing. Thank you. अच्छा लग रहा है. पहले तो उरी को जिस तरीके का प्यार मिला बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं तो थैंक यू कहना चाहूँगा सबको. और यहाँ पर भी दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है उरी के मेहनत के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है. हाँ जी, क्या क्या कह रहे हैं? नहीं, देखिए बहुत सैड बात थी, हम सबके लिए बहुत पर्सनल लॉस है, और सबके अंदर बहुत आक्रोश है, सबके अंदर बहुत पेन है, और यही वक्त है हम सबको यूनाइटेड रहने का, बिकॉज दैट इज़ द परफेक्ट आंसर टू टेररिज्म आई थिंक. इस वक्त पे मैं बस यही कहना चाहूँगा कि पूरा देश आपके साथ है. थैंक यू. थैंक यू सो मच. जी, साल बहुत एक्साइटिंग रहा है, और आफ्टर ले जा रहे, दिस इज माई सेकेंड प्रोजेक्ट पंचवीत, आई होप आप लोगों ने देखा होगा. थैंक यू सो मच. सो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू बी हियर, एंड लाइक दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स इज लाइक अ वेरी प्रेस्टीजियस थिंग्स, एंड आई एम लाइक रियली वेरी ऑनर्ड टू बी हियर, टू बी ऑनेस्ट. अबाउट द इवेंट, I'm coming here for the very first time and I'm really excited. Let's go inside and let's see some films. Yeah, thank you. Thank you. Bahut proud feel kar raha hu, and I'm like even more excited because I'm getting one certificate of appreciation in my acting, and it's really an honor, yeah. And honestly, if you feel, if I say, then you know, it's a blessing to receive awards and to be appreciated for the kind of work that you have done. So I'm blessed. Thank you. As an artist, so every award for that matter is very, very important for me. And you know, like, agar mujhe koi choti si appreciation bhi mil jati, to I'm like very happy with it. So yeah. Well, she's just one. She's done one music album with T-Series as well, like mine. T-Series only, yes. And now I'm doing a short film for Netflix, and after that I'm working on a Bengali film. Thank you. वेल ऑनेस्टली तो डिपेंड करता है अब एकता मैम पे कि अगर वो दोबारा से राहत और रणबीर के बीच में फाइट रखवाना चाहती है कि नहीं, एंड आई रियली होप दैट रखवाएं, एंड आई एम लाइक ऑल गियर्ड अप फॉर इट, प्रिपेयर्ड फॉर इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. Sure.